एक तरफ गाजा में हमास तो दूसरी तरफ उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर लेबनान का हिजबुल्ला। ऐसा लगता है कि इजरायली सेना के लिए इन दोनों ही संगठनों से पार पाना काफी मुश्किल होता चला जा रहा है। गाजा के खंडरों में तब्दील होने के बावजूद भी अभी भी कई इलाकों में इजरायली सेना की हमास के साथ भिड़ंत जारी है। वहीं उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला आरडीएफ के लिए अब बड़ा खतरा बन चुका है। हिजबुल्ला के लगातार हो रहे हमलों से इजरायली सेना एक बड़ी परेशानी में फंस गई है। वहीं दूसरी तरफ हमास को इन हमलों की वजह से संभलने का मौका मिल रहा है और अब हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में अरब अल अरमाशा के भीतर इजरायली सेना के हाल ही में बने कमांड सेंटर पर गाइडेड मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में 18 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं और कुछ सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया है। इस हमले का हिजबुल्ला ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें आत्मघाती ड्रोन सीधे इजरायली बेस पर जाकर टकराता है, जिसमें आईडीएफ को काफी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने भी इस हमले को लेकर बड़ी खबर दी है। इजरायली मीडिया का कहना है कि अरब अल अरमाशा में हिजबुल्ला के हमले से इजरायल के 18 जवान घायल हुए हैं और इसमें एक जवान काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है। इजरायली मीडिया का कहना है कि घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मौके पर सेना का हेलीकॉप्टर बुलाया गया, जिससे इन जवानों को रेस्क्यू किया गया। इजरायली मीडिया का ये भी कहना है कि हिजबुल्ला के हमले में ये इलाका बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ पर एक बिल्डिंग और कार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा है। वहीं इसराइल के कान न्यूज चैनल का कहना है कि इस हमले के दौरान हवाई हमलों में सायरन तक नहीं बजे, जो अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर माना जा रहा है। कान चैनल का कहना है कि इजरायली सेना अब इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या हिजबुल्ला ने असामान्य गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो इसराइल के डिटेंशन सिस्टम को चीरती हुई अरब अल अरमाशा में घुस गई। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर इजरायली मीडिया का ये भी कहना है कि हिजबुल्ला के ड्रोन एकदम सटीक तरीके से टारगेट पर लगे हैं, जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए। आपको बता दें कि इससे पहले हिजबुल्ला ने बिरानिट बैरक्स में इजरायली सेना के 51वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर पर बुरकान रॉकेट से हमला किया था, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान होने की खबर सामने आई थी। ऐसा माना जा रहा है कि जब से ईरान ने इसराइल पर हमला किया है, तब से हिजबुल्ला ने भी और भीषण हमले करना शुरू कर दिया है और इस बढ़ते हमलों के कारण किसी भी वक्त लेबनान और इसराइल के बीच सीधा युद्ध छिड़ सकता है।